प्रेपरेटरी के बच्चों का हिंदी क्लास में स्वागत है। तो बच्चों चलिए, अब यहाँ पे आज हम करेंगे रिवीजन किसका, जो व्यंजन हमने सीखे थे उन्हीं का। तो आज हम चित्रों से व्यंजनों को पहचानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको चित्र दिए हैं और यहाँ पर मैंने आपको कुछ व्यंजन दिए हैं जिसका आपको मिलान करना है। तो जब हम इन चित्रों को पहचानेंगे तभी तो इनके साथ मिलान हो पाएगा, राइट? तो चलिए आप मुझे बताइए ये क्या है। कछुआ, बिल्कुल। तो कछुआ किससे शुरू होता है? क, कछुआ। तो इन तीनों में से क कौन सा है? बिल्कुल ये है क से कछुआ, क से कछुआ। बिल्कुल, चलिए फिर से बोलते हैं, क से कछुआ। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा झंडा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, राइट? बिल्कुल, हमारा तिरंगा हमेशा ऊंचा रहा है और ऊंचा रहेगा। तो यहाँ पर झ से झंडा, झ से झंडा, झ से झंडा। और ये क्या है? नल, न से नल, न से नल, न से नल। क से कछुआ, क से कछुआ। झ से झंडा, झ से झंडा। और न से नल, न से नल। चलिए और थोड़े कुछ चित्र करते हैं, ठीक है? चलिए, अब चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं हमारा नया वाला मिलान। यहाँ पे हमें किसका चित्र दिया गया है? धनुष। तो धनुष किससे बनता है? पहला अक्षर धनुष का ध से धनुष, ध से धनुष। छ से छाता, छ से छाता। और ये क्या है? हम इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? यो यो। क्या कहते हैं? वाई फॉर यो यो। और यहाँ पे क्या कहेंगे? ये तो शिव जी का डमरू है, ड से डमरू, ड से डमरू। ध से धनुष, ध से धनुष। छ से छाता, छ से छाता। ड से डमरू, द से डमरू। बिल्कुल, ठीक है बच्चों। तो ये था आज का आपका रिविजनल पार्ट व्यंजनों का, जिसमें हमने मिलान किया चित्रों का व्यंजनों से। अब इसके बाद हम फिर हाजिर हो जाएंगे सभी एक साथ कुछ नया सीखने के लिए।
तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए और बहुत सारा खेलते रहिए। ठीक है, बाय बाय।